हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बिशियस लर्नर। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ का ईवीएस 2 का लेसन नंबर 14। द फोर्ट इज कैप्चर्ड बट द लायन इज डेड। सो बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज। सो वॉट इज मून by the fort is captured but the lion is dead। इसका मतलब है कि fort जो किला है वो अपने पास आया, but जो lion असली वाला lion है वो अब अपनों से दूर हो गया। So राजमाता की wish क्या थी? In 23 forts, the 23 forts which Shivaji handles our two wish were still in the hand of the Mughal. Kondana was one of his 23 forts. जो 23 forts जो शिवाजी महाराज handle करते थे, उन वो अभी भी still 23 forts जो मुगल्स के हाथ में थे, उनमें से एक था कोंडाना, वो अभी भी मुगल्स के हाथ में था। तो एक दिन जीजा माता ने कहा था, शिवबा इट इज नॉट सेफ टू लीव द स्ट्रॉन्ग कोंडाना फोर्ट्स इन एनिमीज हैंड। शिवबा जो स्ट्रॉन्ग फोर्ट है कोंडाना, वो दुश्मनों के हाथ देना ये सेफ बात, ये सुरक्षित बात नहीं है। यू मस्ट रिकैप्चर इट, वो फिर से हम तुम फिर से वो अपने पास लेना चाहिए। शिवाजी वॉज थिंकिंग ऑन द सेम लाइन। शिवाजी महाराज जो थे वो उस जो राजमाता जीजाबाई ने कहा था वो उसके ऊपर ही विचार कर रहे थे। ही वॉज वेरी अनहैप्पी दैट कोंडाना वॉज इन द मुगल्स हैंड। वो शिवाजी महाराज जो थे वो अनहैप्पी थे, वो खुश नहीं थे कि कोंडाना जो मुगल्स के हाथ में है। इसलिए सो शिवाजी महाराज एंड जीजाबाई सेल्फ वेर वेरी अनहैप्पी अबाउट इट। वो अनहैप्पी थे, दोनों भी अनहैप्पी थे। सो इट वॉज लाइक अ थ्रोन इन द In their side, Shivaji started making the plans for the recapturing the Kondana. Shivaji Maharaj फिर से Kondana को अपने पास लेने के लिए उन्होंने plan बनाने चालू कर दिए। Who could be interested with this task? कौन कौन interested होगा ये task करने के लिए? It was very difficult to capture the Kondana. Kondana जीतना इतना आसान बात नहीं था, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क था सबके लिए। तानाजी मालुसरे, अब तानाजी मालुसरे तानाजी वॉज शिवाजी कमरेड राइट फ्रॉम द बिगनिंग। कमरेड मीन्स तानाजी मालुसरे थे वो शिवाजी महाराज के एक ब्रेव सोल्जर्स थे। फ्रॉम बिगनिंग मीन्स बहुत पहले से वो उनके साथ थे, उनके कमांडो की तरह। ही केम फ्रॉम द विलेज उमराटी नियर द महाड इन द कोकन। वो कोकन रीजन से बिलोंग करते थे। ही वॉज एवर रेडी टू पुट हिज हार्ट फॉर एंड सोल इन टू द वर्क। शिवाजी महाराज ने जो काम दिया था देते थे वो उनका उसके ऊपर जान भी छिड़क देते थे। तानाजी वॉज स्ट्रॉन्ग एंड वेल ड्रिल्ड एंड क्लेवर एंड ही वॉज वेरी ब्रेव। ही वॉज पैशनेट डिवोटेड विद शिवाजी। तानाजी मालुसरे वो जो थे वो बहुत क्लेवर, ब्रेव और वेल ब्रेव थे। उनको बहुत सारे
चीजें आती थी वो बहुत पैशनेट थे शिवाजी महाराज को लेके। और कौन था ना, मैरिज फर्स्ट। तानाजी वॉज बिजी प्रिपरेशन फॉर बिजी मेकिंग द प्रिपरेशन ऑफ हिज सन्स रायबाज वेडिंग। इट इन द हाउस वॉज बिजी विद द मैरिज प्रिपरेशन। जो तानाजी मालुसरे थे उनके बेटे का बेटे की शादी उस समय चल रही थी, वो बिजी थे उनके बेटे की शादी के प्रिपरेशंस के वक्त, तैयारियों के वक्त। एवरीवन इज उनके घर में जितने भी थे वो सब शादी की तैयारियों में बिजी थे। द मैरिज वॉज ओनली 4 days अवे। शादी 4 दिनों पर आके रुकी थी। तानाजी थॉट दैट ही वुड गो एंड इनवाइट द शिवाजी महाराज एंड माँ साहेब टू द वेडिंग। तानाजी मालुसरे ने सोचा कि वो खुद जाके शिवाजी महाराज और माँ साहेब को शादी के लिए इनविटेशन दे के आए। अंक अकम्पलाइंड बाय द सेलार मामा ही वेंट टू द शिवाजी महाराज टू गिव हिम एंड माँ साहेब एज पर्सनली इन्विटेशन टू द वेडिंग। वो सेलार मामा के साथ शिवाजी महाराज के पास गए और माँ साहेब और शिवाजी महाराज को पर्सनली खुद जाके शादी का इन्विटेशन दिया। और रिसीविंग द इनविटेशन फ्रॉम द शेलार मामा से जो इनविटेशन शिवाजी महाराज को मिला था वो लेके शिवाजी महाराज बोले कि शेलार मामा गो बैक एंड सेलिब्रेट द वेडिंग। शेलार मामा आप फिर से जाओ और वेडिंग शादी शादी सेलिब्रेट करो। आई एम सॉरी आई आई शाल आई एम सॉरी आई शैल बी अनएबल टू अटेंड। मुझे माफ करो, मैं शादी अटेंड नहीं कर सकता। आई हैव डिसाइडेड टू लीड अ कैंपेन फॉर द कैप्चर्ड रिकैप्चर्ड ऑफ द कोंडाना। मैंने ऐसा डिसाइड किया है, मैंने ऐसा ठान लिया है कि मैं फिर से कोंडाना को रिकैप्चर मीन्स फिर से अपने पास लिए। सो मुझे उस कैंपेन उस मुहिम पे जाना है। कैंपेन मीन्स मुहिम। एज सून एज तानाजी हर्ड दिस ही सेड, महाराज डू यू प्रपोज टू अंडरटेक दिस डिफिकल्ट एंड डेंजरस कैंपेन वाइल तानाजी इज स्टिल अलीव। तानाजी महाराज ने ये सब सुन लिया। जो शिवाजी महाराज और शेरार मामा के बीच का कंजर्वेशन उन्होंने सुन लिया। और तानाजी मालुसरे बोले, महाराज आप मैं होते समय आप इतना डेंजरस और डिफिकल्ट टास्क, इतना कठिन काम, इतनी कठिन मुहिम आपने मेरे बिना, आप मैं जिंदा होके भी आप जा रहे हो, देन व्हाट इज यूज ऑफ पर्सन लाइक मी। मेरे जैसा इंसान इस आपके आपके मुहिम में होके भी आपने मुझे नहीं बताया। लेट दिस विल नॉट डू। आई शैल फर्स्ट परफॉर्म द मैरिज ऑफ द कोंडाना। मैं पहले कोंडाना का मैरिज फर्स्ट मीन्स कोंडाना की जो मुहिम थी वो पहले मैं परफॉर्म करूंगा। बाद में जो रायबा की वेडिंग मीन्स जो रायबा की शादी थी, उनके बेटे की शादी थी, वो वेट मतलब वो आगे भी जा सकती थी, पर कोंडाना की शादी फर्स्ट करेंगे, बाद में रायबा की शादी करेंगे, ऐसा तानाजी मालुसरे ने बोला। यू मस्ट अलाउ मी टू लीड दिस कैंपेन। मुझे आप परवानगी दो कि
कि मैं ये कैंपेन पूरा कर सकूं। सो एंड गिव मी योर ब्लेसिंग्स इन इट्स सक्सेस, और मुझे आशीर्वाद दो कि हमें ये सफलता मिले। तानाजी मालुसरे का प्लान क्या था? इट वॉज विद दिस वर्ड्स, ये शब्द सुन के तानाजी टुक चार्ज ऑफ द कैंपेन एंड लेफ्ट फॉर कोंडाना। ये सब बोल के तानाजी मालुसरे ने जो कोंडाना की कैंपेन, जो मुहिम थी, वो उनका चार्ज, उनकी लीड, मतलब उनका सब काम वो खुद पे लेके वो कोंडाना के लिए निकल पड़ते। द फोर्ट वॉज देन अंडर द इलिमिनेट टू द कंट्रोल ऑफ उदयबान। वो फोर्ट किसके हाथ में था? उदयबान के हाथ में था। और राजपूत ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द रायसिंह। उदयभान वॉज अ डिसिप्लिन एंड अलिंचमेंट ऑफिसर। देर वेर टू इंटेलिजेंस, वो उदयभान के हाथ में था, और जो उदयभान ने एक राजपूत ऑफिसर को अपॉइंट किया था, उस मीन्स ध्यान रखने के लिए रखा था, और उदयभान एक डिसिप्लिन पर्सन था, उसे डिसिप्लिन पसंद था। इन द फोर्ट बोथ वेर हेविली गार्डेड बाय द उदयभान्स मैन। वो फोर्ट पे उदयभान के बहुत सारे आदमी, जो सोल्जर्स उसके जो एनिमीज थे, वो बहुत सारे, उसकी जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी, हर तरफ उसके आदमी खड़े रहते थे। हाउ देन द माउंटेन एंड असल्यूट, वो गढ़ चढ़ के कैसे पहुंचे? देन तानाजी क्वाइटली मेड अ डिटेल्स इंस्पेक्टर ऑन द फोर्ट। उन्होंने उस फोर्ट पे एक आदमी भेजा था, वो उनके लिए काम करता था। ऑन द वेस्टर्न साइड देर वॉज अ स्लिप प्रिसिपाइज्ड वेर देर वर नो गार्ड्स। तानाजी डिसाइड टू अटैक फ्रॉम दैट साइड। ही एक्सप्लेन हिज प्लान टू हिज यंगर ब्रदर। ही सेड, you take a detachment of the 500 troops and they are reach the Kalyan gate. उनको ऐसा पता चला कि जो स्लिप वेस्टर्न साइड को ज्यादा गार्ड्स, वहां पर गार्ड्स नहीं है। सो तानाजी मालुसरे ने डिसाइड किया कि वहां से ही अटैक करेंगे। उन्होंने उनके यंगर बड़े भाई को बोला कि बड़े भाई को सारा प्लान एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। यू टेक, तो उन्होंने बोला 500 सोल्जर्स लेके, मावड़े लेके कल्याण गेट पर पहुंचो। तो वो वहां पर पहुंच गए। विद अनादर 300 आई शाल स्केल दिस प्रिसिपाइस एंड गेट इनसाइड द फोर्ट। एज सून एज वेयर आर दे देयर वी शाल थ्रोन ओपन द डोर ऑफ ऑन द कल्याण गेट। देन यू स्टेप इन एंड जॉइन अस टुगेदर। हम अंदर से जाके वहां पर अटैक करेंगे और फिर हम वो गेट खोलेंगे। सो देन यू स्टेप इन, वो गेट खोलने के बाद तुम हमारे साथ ज्वाइंट होना और
टुगेदर वी शैल डिस्ट्रॉय द मुगल्स थ्रू डिफेंड द फोर्ट। तानाजी मालूम सर वो बोलते हैं कि मैं दूसरे गेट में मेरे सैनिकों को लेकर मैं दूसरे गेट से अंदर जाता हूँ और कलन गेट खोलता हूँ, और तुम हमारे साथ बाद में कलन गेट खोलने के बाद में। कलन गेट खोलने के बाद में तुम हमारे साथ आकर जो मुगल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। With the plan, thus the finish, the Surya and Surya ji and Tana ji went to the different way. और ये प्लान उनको सबको बता के सूर्य जी और ताना जी वो दूसरे दरवाजे दूसरे वे से मतलब दूसरे रास्ते से निकल पड़ते हैं। Over the precipice and into the fort. It was a very dark night. वो बहुत अंधेरी रात थी। तानाजी and his men were gathered at the foot of the precipice. बाद में वो तानाजी और उनके जो आदमी थे और जो मावले थे वो क्या होते हैं कि फुट मतलब किले के पैरों के नीचे मतलब पायथेशी आके मिल जाते हैं, मिल के खड़े रहते हैं। एंड द साउंड ऑफ द क्रैकर्स शुड बी हियर्ड ऑल अराउंड। जो फटाकों की आवाज थी वो सब तरफ गूंज रही थी। फाइव और सिक्स मेंबर्स ऑफ तानाजी पार्टी स्टार्टेड टू स्केल द प्रेसिपिटाइस। ही डिसाइड इंडेड वेरी हाई एंड स्टिप but somehow they managed to get a foothold in the rocks, pull themselves up by pushing their fingers into the rock cracks. फिर उनको वो जो कोंढा ना एक बहुत बड़ा किला था उनको वो चढ़ना था क्योंकि उधर से तो कोई रास्ता नहीं था। तो उनके जो तानाजी मालुसर के जो मांस थे और वो जो थे वो क्या करते थे खुद उनके जो रॉक्स के बीच में जो क्रैक्स रहते थे जो क्रैक्स होती है उनमें अपने फिंगर्स पुश करके मतलब अंदर घुसा के वो अपने खुद को ऊपर की तरफ पुश करते थे। सो ऐसे वो क्लाइंबिंग उन्होंने स्टार्ट की। वो बहुत डिफिकल्ट होता था क्योंकि वो क्रैक्स जो थे वो जो जो रॉक्स थे वो बहुत शार्प थे, वो हाथ चीर के देते थे। स्लोली स्लोली बट श्योरली दे रीच द टॉप। और स्लोली स्लोली मीन्स श्योरली मतलब हलो हलो से वो चढ़ते थे। और एक टाइम ऐसा है वो सज्जन टॉप पर चले मतलब पहुंच गए। As soon as they were a safe ground and tied a thick rope to a strong tree and let it draw to the precipice, then क्या हुआ? उन्होंने एक ठीक एक पतली सी रस्सी अपने कमर को और एक strong tree को बांधी। Then other took hold to the rope climbing. और दूसरा क्या कर दूसरा दूसरी साइड जो रॉप मीन्स रस्सी की थी उसमें से वो एक एक जन चढ़ चढ़ के पकड़ के एक आते थे मतलब मंकीज कैसे इस ट्री से उस ट्री पे जाते रॉप पकड़ते वैसे वो करते थे। तानाजी वॉलर बाय द सूर्या जी हैड रीच द कल्याण गेट। सूर्या जी थे वो कल्याण गेट पे पहुंच गए। ही वेट देयर फॉर द डोर टू ओपन। वो वेट कर रहे थे कि वो जो दरवाजा कल्याण गेट था वो कब ओपन हो रहा होगा। द बैटल द फोर्ट स्टार्टेड। फिर वो लड़ाई चालू हो जाती है फोर्ट
सकते हो, वो गेट खुल जाता है और बैटल चालू हो जाता है, मतलब लड़ाई चालू हो जाती है। उदयभान हर्ड ऑफ द अटैक। उदयभान को ये सब समझ में आता है और वो अटैक चालू कर देता है। द बैटल ड्रम्ड वॉज साउंडर्ड उदयभान्स गैल्सन्स अटैक तानाजीज मैन। मतलब उदयभान की जो आर्मी थी वो तानाजी मालुक सरे पर अटैक कर देती है। अग्रीम बैटल स्टार्टेड बिटवीन द टू फोर्सेस इन इन द लाइट ऑफ डांसिंग टॉर्च टॉर्च द मावड़ाज ओपन द डोर ऑफ कल्याण गेट। तानाजी वॉज फाइटेड लाइक अ ब्रेव लायन। तानाजी थे वो एक ब्रेव लायन, एक सिंह की तरह वो लड़ रहे थे। और वो गेट ओपन होने के बाद मावड़ाज फटाफट कल्याण गेट के डोर से अंदर अंदर आ जाते। बोथ वेर वेरी ब्रेव एंड बैटल बिटवीन देम फॉर पीस। तानाजी स्टिल्ड वॉज ब्रोकन सो ही ट्राइड हिज अपर गार्मेंट सोल्ड हिज डिफेंट हैंड एंड फ्रीली। उदयवान ब्रो ब्लोज हर एंड कंटिन्यू द फाइटिंग। इन इन द एंड बोथ वर मॉलिट्री वुंड्स फेल्ड फाइट। दिन क्या हो जाता है कि तानाजी अपना एक शोल्डर जो होता है, हाथ का कोना गवा देते हैं। उन्होंने अपना फेटा जो पगड़ी रहती है वो निकाल के अपने हाथ को सेव करने के लिए, वो उसको खून को खून बहुत बाहर आ था, उसको सेव करने के लिए वो पगड़ी जो है वो बांध दी थी। और उन्होंने वो फाइटिंग कंटिन्यू रखी। एट द एंड वो एंड में क्या हो जाता है, वो फाइटिंग एंड वो गिर जाते हैं फाइटिंग करते करते। द फोर्ट कैप्चर्ड बट द लाइन। और वो जब सब मुगल मर जाते हैं, वो कोंडाना अपने पास आ जाता है और फाइटिंग करते वक्त तानाजी मालुसरे की डेथ हो जाती है। द फोर्ट इज कैप्चर्ड और लाइन इज डेड। जो टॉपिक है अपने लेसन का वही अब इलेबरेट किया है। व्हेन द डेथ ऑफ द तानाजी द मावड़ाज फाउंड देमसेल्फ विदाउट अ लीडर एंड बिगिन टू ट्राई रिट्राइज। मावले मतलब मावलास जिंदा थे, बट जो तानाजी मालुसरे थे उनके जो लीडर थे वो अभी वो डेथ हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, मतलब वो मर चुके थे। सो बाय द सूर्या जी एंड हिज मैन हैड अचीव ऑन द सेंस ऑफ द बैटल स्क्रीन्स ऑफ द बैटल। द सूर्या जी वॉज डीपली ग्रेट्स टू नो दैट हिज ब्रदर वॉज डाइड। वो सूर्या जी कौन थे, जो तानाजी के बड़े भाई थे। उनको बहुत अंदर से दुख हो रहा था कि उनके उनका भाई जो बैटल में लड़ाई के वक्त मर चुका है। मतलब डेथ हो गए, उनकी डेथ हो गई है। बट ही हैड नो नो टाइम फॉर ग्रीफ। ही हैड टू कंटिन्यू द फाइट। ही कट ऑफ द रोप। उन्होंने देखा कि उनके भाई अब इस दुनिया में नहीं रह चुके हैं, तभी भी वो अपनी फाइट कंटिन्यू कर रहे हैं, कर चुके मतलब कर रहे हैं। उन्होंने वो रोप कट कर दी। मावड़ाज हैड क्लाइम द फोर्ट। मावड़ाज सब फोर्ट चढ़ के ऊपर आ चुके हैं। देन ही स्टूड इन हिज पाथ एंड रीस्टार्टिंग मावड़ाज एंड सेड दैट डू नॉट डोंट यू सी दैट योर फादर इज लेइंग डेड दे हियर। हियर ऑन द बैटल फील्ड। आर यू नॉट स्क्रीम टू रन अवे लाइक अ ब्रांच ऑफ
क्राउड टर्न टर्न बैक एंड फाइट, तुम ऐसे भाग के नहीं जा सकते हो, एक फिर से घूमो और फाइट करो, इस सिचुएशन से भाग के नहीं जा सकते हो तुम। मावड़ाज वो जो है, वो मावड़ास को बोलते हैं कि तुम ऐसे अपने फादर को देख के ऐसे वो बैटल फील्ड में दे वो हो गए हैं। बैटल फील्ड मीन्स जो जहाँ पर लड़ाई हो रही है उस जगह पर। फॉर आई हैव ब्रोक ब्रोक यू आर रिग्रेटिंग कट ऑफ द रोप बाय विच यू क्लाइंब अप द दे ओनली चॉइस बिफोर यू आदर टू जम्प टू। उन्होंने वो तो रोप कट कर दी थी, उनके पास अभी एक ही चॉइस थी कि उधर से जंप मारना। टू योर डेथ आवर द प्राइज, और टू टर्न बैक और फाइट टू द डिस्ट्रॉय द एनिमी। एक तो भाग के जाना, नहीं तो डिस एनिमीज को, जो अपने दुश्मनों को मारना। भाग के जाएंगे तो भी मरेंगे, क्योंकि जो रोप थी वो कट चुकी थी, और जंप वो जंप करेंगे तो जो रॉक्स थे वो बहुत शार्प थे, तो डेथ तो पक्का थी। सो द मावड़ास टर्न टू द फाइट एंड अटैक टू द एनिमीज। मावड़ास टर्न बैक हुए और जो एनिमीज थे दुश्मनों पर अटैक बोल दिए। द फर्स्ट बैटल राइड द मावलाज अनलिमिटेडली फोर्ट अपने को वो किला मिल गया था, बट जो लायन हार्टेड मीन्स जो सिंह की तरह उनका जो ब्रेव पर्सन था, ब्रेव तानाजी था, वो अब नहीं रह चुका था। जीजा माता एंड शिवाजी राजे हियर द न्यूज। जीजा माता और शिवाजी महाराज ने ये न्यूज सुने कि आप तानाजी मालुसरे आप इस दुनिया में नहीं रहे। दे वर स्ट्रक लाइक वो शॉक हो गए थे। शिवाजी महाराज एक्सप्रेस ही स्लोज इन अ सिंगल सेंटेंस द फोर्ट इज बॉर्न बट द लाइन इज डेथ। शिवाजी महाराज ने एक ही सेंटेंस बोला था उनकी डेथ होने के बाद कि हम ये किला जीत चुके हैं, बट हमने अपना लायन एक सिंह गवा दिया है। सो कोंडाना बिकम सिंहगढ़, कोंडाना बिकम सिंहगढ़ इन द मेमोरी ऑफ द ग्रेटर वॉरियर वुड हैव दिस लाइफ टू कैरी कैप्चर्ड। कोंडाना जो था वो अब सिंहगढ़ के नाम से जाना जाता है, सिंहगढ़ क्योंकि तानाजी मालुसरे को सिंह बोला गया था और उन्होंने गढ़ जीता था, इसलिए सिंहगढ़। सो द इवेंट टुक प्लेस इन 1670। ये इवेंट, ये बैटल कब हुई थी, ये वॉर कब हुआ था, 1617 में। लेट ऑन शिवाजी राजे पर्सनली वेंट टू द उत्तर। वो शिवाजी महाराज अब पर्सनली खुद कोकण में गए और परफॉर्म द वेडिंग ऑफ रायबा। रायबा की वेडिंग खुद शिवाजी महाराज ने करके दी थी। सो So children, this is all about today's video. Thank you for watching my video. If you like my video, don't forget to like my video and subscribe my channel, and also share this video to your friends. Thank you.